प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि विपद के लिए काम न करें और केंद्र सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने में मदद करें। वाराणसी के विकास पर जोर देते हुए पीएम ने कहा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का विकास एम्स की तर्ज पर किया जाएगा। केरल बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तिरुवनंतपुरम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक एयर एम्बुलेंस को रास्ता देकर खुद इंतजार किया। राहुल ने सुनिश्चित किया कि एयर एम्बुलेंस पर जा रहे मरीज को प्राथमिकता दी जाए और उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस और उसके अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं। इस बीच इन सभी आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने कांग्रेस के सभी आरोपों को झूठा करार देते हुए उन्हीं पर सवाल खड़े किए। जेटली ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि ये साफ है कि कांग्रेस राफेल कीमतों को लेकर जो भी तथ्य पेश कर रही है सब झूठे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तोहफा दिया है। उनके महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 9% हो गया है। पश्चिम बंगाल में 22 से अधिक लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को कोलकाता की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समन भेजा है। ये समन टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के द्वारा दाखिल केस के आधार पर भेजा गया है। कोर्ट ने अमित शाह को 28 सितंबर से पहले पेश होने के लिए कहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इसमें पुलिस के 4 जवान शहीद हो गए। इससे पहले सुबह अनंतनाग के खानबल में हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए थे। उनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामलों में देश के कई हिस्सों में वामपंथी विचारकों की गिरफ्तारी और उनके ठिकानों पर छापेमारी से हंगामा मच गया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 5 विचारकों को गिरफ्तार कर 5 सितंबर तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि 5 विचारकों को उनके घर में नजरबंद रखा जाए। नोटबंदी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। आरबीआई के मुताबिक बंद किए गए 500 और 1000 के 99.3% नोट बैंक के पास वापस आ गए हैं। इसके बाद कांग्रेस ने पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने झूठ के लिए माफी मांगेंगे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से नोटबंदी पर श्वेत पत्र की मांग की है। एशियन गेम्स के 11वें दिन भारत ने ब्रॉन्ज मेडल से अपना खाता खोला। भारत को टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज मिला है। वहीं 200 मीटर रेस में भारत की दुत्ती चंद ने रजत पदक जीता है। और अब बात करेंगे शेयर मार्केट की। रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आने और मुनाफा वसूली के दबाव में शेयर बाजार शिखर से लुढ़क गए, जिससे कारोबार के अंत में सेंसेक्स 174 अंक टूटकर 38,723 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 47 अंक लुढ़क कर 11,692 के स्तर पर क्लोज हुआ।